राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है लालजी का ढाबा .com में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ हरी चटनी। आप लोग का बहुत कमेंट्स आया हुआ है हरी चटनी हरी चटनी, तो हरी चटनी आज हम बना रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। हरी चटनी बिल्कुल ही बनाना आसान है और खाने में ब्रेड समोसा के साथ बहुत ही लजीज है। ये देखिए, हमने 200 ग्राम धनिया पत्ता, आधा किलो टमाटर, 50 ग्राम हरी मिर्च और 50 ग्राम के करीब लहसुन और अदरक लिए हैं। ये टमाटर जो हमने लिया है आधा किलो के करीब, इसको हम ऐसे इस तरह से, और पतला भी काट सकते हैं मिक्सी में, जितना पतला काटेंगे और बढ़िया होता है, मिक्सी के लाइफ ज़्यादा चलता है। चाहे तो आप सीधा भी टमाटर पीस सकते हैं मिक्सी में, लेकिन उसका ब्लेड ख़राब हो जाता है, इस वजह से जितना पतला काटना है काट दें। और देखिए, हमने सारा टमाटर डाल दिया, मिर्चा डाल दिया, धनिया डाल दिया और अदरक को भी पतला पतला काट दिया है और लहसुन को छील दिया है। ये सारे इसी में हम डाल देंगे। और जब भी आप चटनी पीसें, जिस भी चटनी में टमाटर हो उसमें पानी नहीं डालें, ताकि वो बढ़िया से पीस जाता है एकदम बारीक बारीक। और देखिए, हमने इसमें मिर्ची थोड़ा कम लगा हमें, तो इसमें और 6-8 मिर्ची हम बढ़ा दिए हैं और इसमें हम पानी नहीं डाले हैं। देखिए, ये चटनी आपका पीस गया है और इसी में हम खाली स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल डाल दें। लोग बोलते हैं कच्चा तेल है, ये है वैसे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरसों का तेल से और टेस्टी बनता है कच्चे तेल से, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और देखिए, हमारा ये चटनी बन के तैयार हो गया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।